हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आप सभी का हमारा आज के इस क्लास में स्वागत है और ये हमारा क्लास है क्लास 11 का फिजिक्स अणुगति सिद्धांत का लेक्चर नंबर 2। आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि हमने पहले लेक्चर में सभी वैज्ञानिकों के अणुगति सिद्धांत से रिलेटेड गैस के पार्टिकल्स के वेग से संबंधित नियम, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम सब आपको हमने समझाया। यहाँ पर अब हम आज इस पार्ट पर पढ़ेंगे गैस के दाब के लिए फार्मूला। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा भी आपका। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत कम कंटेंट्स हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं मेरे अन अकेडमी के क्लास का शेड्यूल के बारे में। मेरा अन अकेडमी का क्लास, जो स्पेशल क्लास मेरा होता है, वह 1 PM पर होता है। इस क्लास में मैं नीट का प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो यदि आप नीट के या IIT JEE NDA कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपको फिजिक्स का प्रिपरेशन करना है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इस क्लास में हम आपको कम्प्लीट कॉम्पिटिटिव के पैटर्न पर तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और MCQ फॉर्म पे न्यू नीट के अकॉर्डिंग तैयारी करा रहे हैं। इस क्लास को आपको ज्वाइन करने के लिए बहुत इजी मेथड है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि यह क्लास कंप्लीट फ्री है। इस क्लास के लिए आपको कोई फी पेड नहीं करना है, यह फ्री क्लास होता है। सिर्फ आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है अपने मोबाइल पर, और यहाँ पर आप क्लास को ज्वाइन करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर मैं क्लास के लिंक शेयर करता हूँ इस क्लास का, उसके थ्रू आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ क्लास ज्वाइन करने के लिए आप रेफरल कोड यूज़ करिए, JPSIRLIVE, ये कोड आपको यूज़ करना है। साथ ही यदि आपको कभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तब भी आप ये कोड यूज़ करिए, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्लास को ज्वाइन करके आप अपने 11th 12th के प्रिपरेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेटर है, ये क्लास आप ज़रूर ज्वाइन करिए। और अब हम आगे आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करें, काइनेटिक थ्योरी। आप गैस भी कह सकते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आज हम पढ़ेंगे दाब का समीकरण। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमको दाब का समीकरण पढ़ना है। दाब का समीकरण मतलब प्रेशर का इक्वेशन। प्रेशर जो होता है कि किसी गैस को जब किसी कंटेनर में रखा जाता है, किसी भी गैस को जब हम किसी पात्र में रखते हैं, तो वह गैस के जो अणु हैं वह अपने कंटेनर पर, आपको मैंने इसके पहले वाले क्लास में गैसों के अणुगति सिद्धांत में उसकी अभिगृहितियाँ पढ़ाया, जहाँ पर आपने देखा कि गैस के पार्टिकल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं, जो गोलाकार होते हैं, जाके वो आपस में टकराते हैं, दीवार से टकराते हैं, गति करते हैं, सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं, ऐसे आपने 6-7 पॉइंट्स पढ़ा। तो जब ये गैस के पार्टिकल्स अपने कंटेनर में जाके टकराते हैं, तो अपने कंटेनर में टकराने के कारण वो उसमें दाब आरोपित करते हैं। तो दाब का कैलकुलेशन हमको यहाँ पर करना है। अब आप समझ सकते हैं कि दाब का गणना करना है तो क्या करना पड़ेगा। निश्चित रूप से दाब के कैलकुलेशन में आपको सबसे पहले गणना करना पड़ेगा बल का, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो जब तक आपके पास बल ना हो तब तक आप दाब नहीं निकाल सकते। इस तरह से हमको पहले बल निकालना होगा। बल कैसे निकलता है, किसी भी गतिशील पिंड का बल कैसे निकलता है? गतिशील पिंड का बल निकलता है संवेग परिवर्तन से। जब उस पिंड के संवेग में परिवर्तन होगा तो संवेग परिवर्तन की दर निकालेंगे, और न्यूटन ने बताया था कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो फिर हमारा कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? संवेग परिवर्तन की दर, फिर संवेग परिवर्तन की दर के बाद बल, फिर बल के बाद दाब। ये इसका वर्किंग स्टेप है। इस स्टेप पर आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले हम फिगर बना दें इसके लिए।
ये हम यहाँ पर एक स्पष्ट फिगर बना रहे हैं, घन घन लेके हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। एक सेकंड ना, एक प्रॉपर घन बनना चाहिए जिसके कारण हम आपको घन दिखना चाहिए वो। चलिए ये क्या है, थोड़ा सा रेडीमेड स्ट्रक्चर है तो थोड़ा सा भुजाओं की लंबाइयों को एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, घनाभ जैसे दिखने लग रहा है लेकिन एक्चुअल में है घन ये। चलिए ये घन है एक। अब यहाँ पर हम गैस के किसी अणु की कल्पना करते हैं कि सपोज यहाँ पर गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके गति की दिशा को हम यहाँ पर शो कर दें कि किस किस दिशा में वो गति कर रहे हैं। तीन की दिशाएं इस प्रकार से, ये एक्स अक्ष है, ये सपोज वाई एक्सिस है और ये सपोज इसका जेड एक्सिस है। इस प्रकार से गैस के जो अणु हैं वो तीन दिशाओं में गति कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहां पर आप देखो यह एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है इसका, यह जेड अक्ष है। एक्स एक्सिस में गैस के अणु का जो गति का वेग है वो सपोज यू है, वाई एक्सिस में सपोज ये वी है और जेड एक्सिस में सपोज ये डब्लू है। अब यहाँ पर हम इमेजिन कर लेते हैं कि मान लो यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका इस दिशा में वर्ग माध्यमूल वेग सी, ये आप सब प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो कि किस प्रकार से हम वर्ग माध्यमूल वेग को शो करते हैं। तो ये गैस के अणु इस प्रकार से यहाँ पर अरेंज हैं, व्यवस्थित हैं। अब यहाँ पर आप दो सतह देख रहे हो गैस का, एक कंटेनर का दो पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ये वाला एक्सिस है और दूसरा वाला ये वाला पार्ट है, ये वाला एक्सिस। जब एक गैस के अणु जाके इस दीवार से टकराएगा तो टकराने के बाद जो संवेग में परिवर्तन करेगा वो हमको सबसे पहले निकालना है। तो हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए। सबसे पहले हम गणना करते हैं एक्स अक्ष के लिए। तो यदि हम x अक्ष के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो x अक्ष अभी जो भी हम गणना करेंगे, ध्यान रखना ये हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन क्या है, सिर्फ x एक्सिस के लिए है। तो x एक्सिस के लिए संवेग में परिवर्तन, यदि हम x अक्ष के संवेग में परिवर्तन करें तो जाने का संवेग होता है mu और माइनस, क्योंकि ये जो पार्टिकल है यहाँ पर जो कण है वो एक्स अक्ष में गति करेगा तो उसका द्रव्यमान m है और उस अक्ष में उसका वेग u है, तो उस संवेग हो जाएगा m इंटू यू और माइनस वापस आने का संवेग हो जाएगा माइनस एम यू। यहाँ पर माइनस हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि पार्टिकल टकराने के बाद वो अपने विपरीत दिशा में वापस आएगा, इसलिए हमने माइनस लिखा है। दैट इक्वल टू ये हो जाएगा टू एम यू, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और एम यू एड होके टू एम यू होगा। ये निकल गया संवेग में परिवर्तन, इसलिए अब हम निकालेंगे संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर निकालने के लिए हमको संवेग परिवर्तन में समय का भाग देना पड़ेगा। तो संवेग अपने पास, संवेग परिवर्तन है 2mu और टाइम हमने सपोज कर लिया मान लो t, तो t समय का हम उसमें भाग देंगे। दैट इक्वल, अब देखो t का समय इतना वैल्यू कितना हो जाएगा, 2mu अपॉन समय कितना होगा, देखो
वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे वेग, तो दूरी कितना तय करेगा, वह इस सरफेस से इस सरफेस तक जाएगा और टकरा के फिर वापस आएगा। तो जाने में दूरी तय करेगा L, क्योंकि प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है इसकी वह L है, तो जाने में वह L दूरी तय करेगा और जब टकरा के वापस आएगा तब भी L दूरी तय करेगा। तो टोटल चली गई दूरी 2L हो जाएगा, यह हो गया दूरी और बटे वेग, तो उसका क्या है U है, तो 2L अपॉन U होगा। अब यहाँ से हम U को ऊपर ले जाएँ, 2 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, एम यू स्क्वायर अपॉन एल, ये है संवेग परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले हमने संवेग में परिवर्तन निकाला, फिर हमने निकाला संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर के बाद निकाल सकते हैं हम बल, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो इसलिए न्यूटन के नियम से, देयरफॉर न्यूटन के नियम से, बाय न्यूटन्स लॉ संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, F इक्वल टू हो जाएगा एम यू स्क्वायर अपॉन एल, उसके समानुपाती होता है। लेकिन हम यदि समानुपाती कांस्टेंट को मन ले लें तो संवेग परिवर्तन की दर को हम बल के बराबर भी लिख सकते हैं, और चूंकि यह x अक्ष में लगाया गया बल है तो इसको हमने लिख दिया एफ एक्स। इसलिए दाब, अब हम निकाल लें दाब, तो x अक्ष पर जो गैस के पार्टिकल्स है वो कितना दाब आरोपित करेंगे, तो उसको हमने पी एक्स मान लिया, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल, मतलब एफ एक्स अपॉन ए, दैट इक्वल टू एफ एक्स का मान पुट कर दें एम यू स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए, ये हो जाएगा दाब। तो ये जो पी एक्स हमने निकाला है वह एक्स एक्सिस पर आरोपित दाब है। अब इसी प्रकार से इस दाब को हम तीनों अक्ष के लिए निकाल सकते हैं, ये तो अभी निकाला है हमने एक्स एक्सिस के लिए। सिमिलरली अब हम इसको लिखते हैं वाई एक्सिस के लिए। अब यदि हम y एक्सिस के लिए इसको लिखें तो y एक्सिस के लिए जो प्रेशर होगा वह हम उसको पी वाई कह देंगे, और पी वाई इक्वल टू एम वाई एक्स का वेग भी है एम वी स्क्वायर और अपान, अच्छा यहाँ पर l इंटू ए को आयतन लिख सकते हैं, एम यू स्क्वायर और लंबाई गुड़ी क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं आयतन, ये हमने कैपिटल भी लिख दिया, तो एम वी स्क्वायर अपान कैपिटल भी, ये हो जाएगा वाई एक्सिस के लिए। इस प्रकार से वाई एक्सिस के लिए जो दाब होगा पी वाई इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन वी। तो हमको इसको डायरेक्ट निकालना है, सिमिलरली करके हमको इसको डायरेक्ट निकालना है, और इस प्रकार से क्या है हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, अगेन उसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हम जेड एक्सिस के लिए कैलकुलेट करें, तो जेड एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए जो वैल्यू होता है उसके यदि हम पी जेड कहें तो पी जेड इक्वल टू होता है एम डब्ल्यू स्क्वायर, एम डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन वी। तो तीनों अक्षों के लिए हमने क्या निकाल लिया दाब, एक्स अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए और जेड अक्ष के लिए। यहां पर देखो अब हम निकाल लेते हैं औसत दाब, औसत दाब, तो औसत दाब जो होगा जिसको हम पी एवरेज कर दें, तो तीन चीजों का औसत निकालने के लिए तीनों का योग बटे तीन होगा, तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष का दाब पी एक्स प्लस वाई एक्स का दाब पी वाई प्लस जेड अक्ष का दाब पी जेड और अपॉन थ्री। तो तीनों को वैल्यू को पुट अप कर देंगे पी एक्स पी वाई और पी जेड का, और फिर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इक्वल इक्को आगे हम सॉल्व करें, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको बाहर निकाल लें, तो तीनों में एम कांस्टेंट है, एम को कॉमन कर लिया और वी कांस्टेंट है, तो थ्री वी और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको इसके पहले वाले टॉपिक में वर्ग माध्य मूल वेग पढ़ाया था, तो यहाँ पर देखो कि हमारा जो वर्ग माध्य मूल वेग होगा वह कितना होगा, x अक्ष का वेग है u स्क्वायर, y अक्ष का वेग है v स्क्वायर और z अक्ष का वेग है w स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा c बार स्क्वायर। इसको मैं आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख दूं, समीकरण एक देके लिखना है आपको c बार स्क्वायर इक्वल टू, c बार स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, और एक ही गैस का पार्टिकल का समीकरण है इसलिए यहाँ पर एक का भाग होगा। हमने फार्मूला पढ़ा था, यदि आपने इसका पहले वाला पार्ट नहीं पढ़ा है तो ये पार्ट को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। वैसे किसी भी क्लास को जब आप पढ़ाई करते हो, किसी भी चैप्टर को सॉरी, तो आपको उसको प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सेकंड, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज वो समझ में आएगा नहीं, आप उसको कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये मैंने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था पार्ट फर्स्ट में।
अब देखो ये जो मान है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर जो कि सी बार स्क्वायर के बराबर है, जिसको वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं, इसको हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, तब हमारा प्रेशर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा एम सी बार स्क्वायर अपान थ्री वी। मतलब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो एम अपान थ्री वी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर को सी बार स्क्वायर लिख गया, तो एम सी बार स्क्वायर अपान हो जाएगा थ्री वी। ये जो फार्मूला निकला है यह गैस के एक अणु के लिए है, ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर टू दे सकते हो, इसलिए एन अणुओं के लिए, मान लो गैस के एन अणु हैं, मान लो गैस के अपने पास एन अणु हैं, तो एन अणुओं के लिए यदि हम एन पार्टिकल्स के इसको लिखें एन अणु के लिए, तो प्रेशर पी इक्वल हो जाएगा एम कैपिटल एन का मल्टीप्लाई कर देंगे और सी बार स्क्वायर अपान थ्री भी, यह एन पार्टिकल्स के लिए फार्मूला हो जाएगा, यह दाब का समीकरण होता है, यह दाब का समीकरण होता है या दाब का फार्मूला होता है। इस प्रकार से किसी गैस को जब किसी कंटेनर पर रखा जाता है तो उस कंटेनर पर रखने पर वह उस कंटेनर के वाल पर P इक्वल टू एम एन सी बार स्क्वायर अपान थ्री बी इतना दाब आरोपित करता है। अब हम देख लेते हैं इसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा, कि उस गैस के अणु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है। काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, देखो इस इक्वेशन को अपन अगेन ले लेते हैं और वहाँ से उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, चूँकि P इक्वल टू हमने देखा एम सी बार स्क्वायर अपान थ्री वी, हमको पता है कि किसी भी पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वह हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। इस रूप में इसको हम एडजस्टमेंट करें तो कैसे कर सकते हैं, दैट इम्प्लाइज पी दो का गुणा किया और दो का भाग किया, टू इंटू टू और एम सी बार स्क्वायर अपान थ्री वी। अब इस रिलेशन को आप देखो, ये वन अपान टू, इतना जो पोर्शन है वन अपान टू एम वी स्क्वायर, क्योंकि सी बार स्क्वायर गति ही है, वेग ही है, तो वन अपान टू एम सी बार स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो फार्मूला होगा वह इस फार्म में कन्वर्ट हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा ये वन अपान थ्री वी और इंटू काइनेटिक एनर्जी, और इसलिए यदि हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, एक मिनट, टू बचा हुआ है यहाँ से ना, टू ही बचा हुआ है, सॉरी टू बचा हुआ है क्योंकि ये टू अपान थ्री, तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इधर चला जाएगा ये, तो हो जाएगा थ्री पी वी अपान टू, माने थ्री बाई टू पी इंटू वी, इसके बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी, थ्री बाई टू प्रेशर इंटू वैल्यू, ये किसी भी गैस के काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी है और ये है एन अणुओं के लिए प्रेशर का फार्मूला। ओके, अब आप देखो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। तो स्वतंत्रता की कोटि क्या होता है, देखो ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के लिए इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट ये समझ नहीं पाते, बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते, जनरली टीचर्स इसको स्कूल में छोड़ भी देते हैं, क्वेश्चन नहीं देते, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए प्रायः नीट वगैरह में क्वेश्चन आता है। स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स जितने संभव दिशाओं में गति कर सकते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। इसको आप एक फार्मूला की सहायता से समझ सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फार्मूला है वो इस तरह से होता है, इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और F इक्वल टू होता है 3N माइनस K। ये आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है, जहाँ पर N क्या है, अणुओं की संख्या, N क्या है, अणुओं की संख्या, और K क्या है, यह एक अणु के गति करने के बाद, ठीक है, शेष अणु का गति की दिशा की संभावना कर सकते हो। इस तरह से
ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालते हैं। एन अणुओं की संख्या है, के क्या है शेष अणु की, मतलब एक अणु के गति के बाद जो बचा हुआ अणु है उसके गति की दिशा की क्या संभावना होती है, ये होता है। तो इसको हम क्या है आपको एक एक करके समझाएं, एक परमाणु गैस के लिए, द्वि परमाणु गैस के लिए, तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एक परमाणु गैस, एक परमाणु गैस की बात करें मतलब मोनोएटॉमिक, यदि हम मोनोएटॉमिक गैस की बात करें तो मोनोएटॉमिक गैस मतलब फॉर एग्जांपल हीलियम, नियान, क्रिप्टन, हीलियम, नियान, आर्गन एंड सो ऑन, ये जो मोनोएटॉमिक गैस हैं ये मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है। तो इसमें हम फार्मूला अप्लाई करें F इक्वल टू ये हो जाएगा 3 × मोनोएटॉमिक मतलब क्या है नंबर ऑफ एटम क्या है 1 है, मोनो मतलब 1 है तो नंबर ऑफ एटम उसका 1 है, तो n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे और माइनस क्या होगा यहाँ पर आप देखो इसका सिचुएशन इस तरह से होता है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और यह z एक्सिस है। तो मोनोएटॉमिक गैस में मान लो गैस का एक एटम है, यह एक एटम मोनोएटॉमिक गैस में यह एक एटम x एक्सिस में गति करने लगा, तो y और z एक्सिस में गति करने के लिए उसके पास पार्टिकल है ही नहीं, मतलब शेष जो मैंने लिखा है शेष अणु के गति की दिशा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि और एटम है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 3। इस प्रकार से हमको पता चलता है कि मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज कितना होगा 3 होगा, ऑलवेज 3 होगा, ऐसा नहीं कि बस अभी हो रहा है, यदि वो मोनोएटॉमिक गैस है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होगा। ये कॉम्पिटिटिव में आता है, आपको गैस के नाम से भी पूछ सकता है कि इस गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। तो सबसे पहले आपको गैस को पहचानना है कि कौन सा गैस है, ये मोनोएटॉमिक आपने पहचान लिया तो सीधा डिग्री ऑफ फ्रीडम आप 3 लिख सकते हैं, तो ये कहलाता है एक परमाणु गैस के लिए। अब हम देखें द्वि परमाणु गैस के लिए, सेकंड है द्वि परमाणु गैस मतलब डाइएटॉमिक, तो डाइएटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बोले तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू 3 × डाई मतलब 2 हो गया और माइनस, अब यहाँ पर देखो कि दो एटम है उसके पास, एक एटम x एक्सिस में चला गया तो दूसरा बचा हुआ एटम या तो y एक्सिस में जाएगा या तो z, मान उसके पास एक ऑप्शन है आइदर x और z, तो वहाँ पर संभव दिशा कितना हो गया 1, तो यह हो जाएगा 6 − 1 दैट इक्वल टू 5। इस प्रकार से डाइएटॉमिक गैस जो होता है, ठीक है, डाइएटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जो गैस हैं इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं 5 होते हैं, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि डाइएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। इसके बाद हम देखते हैं त्रिपरमाणु गैस, त्रिपरमाणु गैस ये हम देखें ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है एफ, अच्छा ट्राइएटॉमिक गैस को हम सॉरी दो पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं, एक कहलाता है लीनियर, पहला कहलाता है रेखी, रेखी मतलब लीनियर। लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस का मतलब होता है जिसको तीनों एटम एक ही लाइन में अरेंज होते हैं, जहां पर इसको तीनों एटम एक ही लाइन में अरेंज हो, जैसे मान लो ये है तो ये एक पहला एटम है और दूसरा एटम है तीसरा, तीनों जब एक ही लाइन में हो तो इसको हम लीनियर कहते हैं। तो लीनियर जो गैस होता है, जो त्रिपरमाणु गैस होता है, जैसे लीनियर का एग्जांपल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इसका अरेंजमेंट लीनियर होता है। तो लीनियर में क्या होता है, फार्मूला वही लगेगा लेकिन लीनियर में इस तरह से देखो सिचुएशन क्या हो जाता है, F इक्वल 3 × 3 मतलब 3 एटम है तो n का वैल्यू 3 हो गया। अब माइनस यहाँ पर क्या होता है, एक एटम के किसी डायरेक्शन में मोशन होने के बाद ये जो दो डायरेक्शन है, दो एटम है, वो x एक्सिस और y एक्सिस में से किसी भी अलग अलग दोनों एक्सिस में जा सकते हैं, मतलब उनके जाने की संभावना क्या हो जाती है 2 हो जाती है,
तो यहाँ पर यह हो जाता है 9 - 2 = 7। इस प्रकार से रेखी या रैखिक जो लीनियर अरेंजमेंट होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होता है। लेकिन यदि हम अरैखिक की बात करें, अरैखिक की बात करें, नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर एटम में क्या होता है, इनका अरेंजमेंट ट्रायंगुलर शेप में होता है। मतलब इस तरह से होता है अरेंजमेंट, ऐसा होता है एक एटम यदि यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इस तरह से ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो इस तरह के कंडीशन में इसका एग्जांपल क्या होता है, H2O हो सकता है, NH3 हो सकता है, ये सब क्या है वाटर, ये इसका एग्जांपल है। यहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो F = होगा 3 × 3 और माइनस, यहाँ पर तीनों एटम की थ्री डायमेंशन होने के कारण तीन संभावना हमेशा से होती है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 - 3 = 6। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो रैखिक होता है लीनियर, लीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज 7 होगा, और अरैखिक जो होता है नॉन लीनियर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 6 होता है। तो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस तरह से आप देखो कि जितना भी हमारा गैस के पार्टिकल्स हैं, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, सबके डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होते हैं। मोनोएटॉमिक का 3 होता है, डाइएटॉमिक का 5 होता है, ट्राइएटॉमिक में लीनियर का 7 होता है और नॉन लीनियर का 6 होता है। ये आपको याद रखना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको सीधा सीधा ही पूछ सकता है, या गैस का नाम देके कि वाटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तो आपको सीधा याद रखना पड़ेगा कि वाटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है जो काइनेटिक थ्योरी का, वो कंप्लीट होता है। काइनेटिक थ्योरी का चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है और 2 पार्ट में ये कंप्लीट हो गया। अभी हमारा जो 11th क्लास का सिलेबस इनकम्प्लीट था उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ चैप्टर जो बचा था। लेकिन हमारा न्यू सिलेबस स्टार्ट हो चुका है जो रेगुलर लाइव क्लास पर होता है इवनिंग में 8 to 9, और हमने 11th क्लास 12th क्लास दोनों को बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है। 11th में तो बल्कि हम अभी मूलभूत गणितीय अवधारणा पढ़ा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट न्यू ज्वाइन किए हैं या जो अभी 11th क्लास में जस्ट पहुँचे हैं वो उस क्लास को रेगुलर अटेंड करें। ये तो उनके लिए है जिन्होंने 11th हमारे चैनल में शुरू से पढ़ाई किया और कुछ चैप्टर बचे हुए थे। बहुत जल्दी फटाफट आपको दोलन और तरंग का भी पार्ट मिल जाएगा। इस तरह से हमारा 11th क्लास का ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच।